इट्स बी सी सी स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर अबव नाइन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इज ट्रांसफॉर्म टू एफ सी सी स्ट्रक्चर तो ये बी सी सी में एक्जस्ट करें रूम टेम्परेचर पर नाइनटी डिग्री सेल्शियस के अबव ये एफ सी सी स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है रेशियो निकालना है तो हम पहले से ही डिवाइड कर लेते हैं डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर दैट मीन्स बी सी सी के लिए टू दैट ऑफ नाइन हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड दैट मीन्स एफ सी सी के लिए मधुर मास और एम और आर को को कॉन्स्टेंट रखना है इनको हम कैंसिल uh, कर देंगे डेंसिटी का फॉर्मूला कहता है जेड इंटू एम अपॉन एवोकैदरोज नंबर इंटू ए का क्यूब डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी हो जाएगा जेड इंटू एम अपॉन एवोकैदरोज नंबर इंटू ए का क्यूब जो जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर देते हैं एम कॉन्स्टेंट था सॉरी एम हाँ एम कॉन्स्टेंट था और एन ए इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट जो बच गया उसको लिख देते हैं बी सी सी के लिए जेड कितना होता है टू अपॉन ए एक कितना होता है बी सी सी के लिए वी वेरी वेल नो बी सी सी के लिए फोर आर इज इक्वल टू बॉडी डायगनल विच वॉज रूट थ्री ए तो ए कितना हो जाएगा फोर आर अपॉन रूट थ्री तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर आर अपॉन रूट थ्री का होल क्यूब अपॉन जेड एफ सी सी के लिए कितने होते हैं नंबर ऑफ आइटम्स फोर अपॉन ए क्यूब नाउ फॉर एफ सी सी फोर आर की वैल्यू किसके बराबर होती है फेस डाइगनल के रूट टू ए के तो यहाँ से अगर हम ए निकालें कितना हो जाएगा फोर आर अपॉन रूट टू तो यहाँ आ जाएगा फोर आर अपॉन रूट टू का होल क्यूब अब जो जो कैंसिल उसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे डिवाइड ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई टू इंटू फोर आर अपॉन रूट टू का इसका भी क्यूब है और इसका भी क्यूब है डिवाइडेड बाय यहाँ पे फोर था ये यहाँ पर डिवाइडेड नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर आर का भी क्यूब है और रूट थ्री का भी क्यूब है टू टू ज़्या फोर आर क्यूब से फोर आर क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल रूट थ्री यहाँ पर क्या है डिवाइड ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई रूट थ्री का क्यूब इंटू टू इंटू रूट टू का होल क्यूब सो वैल्यू कम्स आउट टू बी रूट थ्री का स्क्वायर एज थ्री रूट थ्री नीचे टू था और रूट टू का स्क्वायर एस टू और एक रूट टू बच जाएगा तो आ जाएगा थ्री रूट थ्री अपॉन फोर रूट टू विच इज गिवन इन ऑप्शन सी